शुरुआत की आपने 178 heartbeats और obviously आप गाने से पहले आपने देखा कि कितने सारे लोग आपके फैंस हैं वहाँ पर, so that's actually a very very big deal. मैं जज से पूछना चाहूँगा, हिमेश जी, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? मुझे कितनी अच्छी लगी होगी ये परफॉर्मेंस इस बात का सबूत मैं दे देता हूँ. सूट के साथ स्लिपर्स तो कोई नहीं पहनता और आज किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने ये ब्लैक सूट ब्लैक ब्लेजर के साथ नीचे स्लिपर्स क्यों पहने क्यों पहने क्यों पहने क्यों पहने क्यों पहने क्यों 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 लोगों ने इसको भी स्टाइल बना दिया है मुझे लगता है राइट क्यों इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मेरी राइट साइड की लास्ट उंगली में बेटा फ्रैक्चर हो चुका है और वो फ्रैक्चर ठीक तो हो जाएगा लेकिन मुझे ये लगा कि फ्रैक्चर कहाँ पे भी जाए मैं उठ के नाचने लग जाऊं अगर वो फ्रैक्चर राइट साइड की उंगली में नहीं होता तो मैं जरूर नाचता इतना अच्छा गाना गाया है तुमने नेहा हाय स्तुति आप बहुत अच्छे लग रहे हो थैंक यू मैम पहली बात तो ये गाना चूज करना अपने आप में बहुत करेजियस बात है ये बहुत आइकॉनिक सिंगर कविता जी ने गाया राइट एंड अपने खराब गले में भी आप हमेशा अच्छा गाते हो मुझे तो पता भी नहीं चला कि आपका गला ख़राब था सो दैट डजंट मैटर बट आपने बहुत अच्छी तरह गाया इस गाने में टेम्पो बीच बीच में बढ़ता है और बहुत ऐसी ऐसी बारीक चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छी तरह कर रहे थे और आप हमेशा बड़े चैलेंजिंग सॉन्ग्स उठाते हो एंड दैट्स अमेजिंग बिकॉज कुछ भी हो जब एक कॉम्पिटिशन होता है हमें ध्यान रखना चाहिए कि यू आर कम्पीटिंग विद दीज वंडरफुल सिंगर्स सो यू चोज अ सॉन्ग विच इज़ अ विनर और आपने बहुत अच्छा गाया थैंक यू एंड ये बच्चों ने आपके साथ जो बैकिंग्स करी दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग सो मच बच्चों सीरियसली एंड बाय द वे एचआर ये स्लिपर्स नहीं चप्पले हैं हां स्लिपर्स हो चप्पले हो लव मी इंडिया के जो सिंगर इसको बोलते स्टाइल जब स्लिपर चप्पल से स्लिपर्स हो जाते हैं और मुझे लेकिन तुम्हारी म्यूजिकली भी एक बात ये कहनी है कि जो इस गाने में ना अगर करेक्ट सुर लगे लेकिन सुरों के साथ उसकी श्रुतियां ना लगे तो मज़ा नहीं आएगा और इस आवाज़ में भी तुम्हारे सुरों की श्रुतियाँ बहुत अच्छी लग रही थी बेटा और वो बहुत
Well, congratulations itni tareef ke liye and of course aapke choice of song ke liye. That is, as Neha said, bahut bahut zaruri hai competition mein. To ye jo teesri khali kursi hai na, ye filhal aapki hai. And pray karte hain ki aap hi wahan pe tike rahe. All right. All the very best. Filhal hum formality ke liye dikhate hain aaj kyunki aap pehli singer hain to dil board par aapki position kahan par hogi? Jayaz si baat hai. Filhal aap honge dil board ke number one position par. Thank good you. 178 Thank heartbeats. You. Congratulations, yeah. Very Thank well you. Sung. Aaj usdi. Zordaar taaliyan ho jaye. तो मैं ही बुला लेती हूँ अपने अगले सिंगर यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को तो पर मैं क्यों बुलाऊँ वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना वो खुद को ही इंट्रोडक्शन कर लेगी आजा तेरी मंजिल यहाँ है सुपर मंच पे नो मैटर व्हाट हैपेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस थोड़ा तालियां हो जाए फैंस के लिए फिर पापा नहीं कहते सब कहते हैं हम सब कहते हैं मम्मी कहती है तुम बहुत बड़ा नाम करोगे सच बात है लेकिन इससे पहले हमारे जजेस कुछ भी कहें कोई कुछ भी कहे आंटी जी मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा फैंस की मम्मी जी प्लीज आ जाइए स्टेज पर
और कहा मानिए बहुत ही बेहतरीन गाया है फैज ने. मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि ये स्टेज और जल्दी ऊपर कैसे नहीं आ गई. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फैज जो है ना ये बदमाश जो हमेशा मेरी होस्टिंग ले लेता है फिर भी इतना अच्छा गाता है, आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? मुझे फैज की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी लगी और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने फैज के बारे में बस इतना सोचा कि मैं इसे कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन तूने तो बेटा मेरी सोच ही बदल डाली और मुझे पूरा यकीन है कि तू बहुत आगे जाएगा और अपने पापा का नाम रोशन करेगा. पापा मम्मा सबका नाम रोशन करेगा. नेहा आप क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? मैं वहां आना चाहती हूँ. ओके. पहली बात तो कुछ भी कहने से पहले मैं पहले कहना चाहूँगी कि इंडिया आप प्लीज़ वोट करें इन बच्चों के लिए, बिकॉज फैज अगर मुझे तुम्हें 1 करोड़ वोट भी देने पड़ते हैं मैं तुम्हें देती. और वो भी कम होते. और वो भी कम होते. आप अपने मम्मी पापा के बहुत प्यारे हो, लेकिन आई ऑल्सो फील वेरी प्राउड ऑफ यू ऑलवेज ऑलवेज. थैंक यू मैम. क्योंकि ऐसा कोई गाना नहीं है जो ये बच्चा गा नहीं सकता है. ऐसा कोई मतलब कोई भी गाना है ऐसा जो आप नहीं गा सकते? नहीं है ना ऐसा कोई भी? भाई कॉन्फिडेंस के लिए तो ओहो. और पता नहीं क्यों ये गाना सुनते हुए मुझे रोना आ रहा था. सिर्फ ये देखे इसकी आंखों में ना एक जुनून है, एक वो कॉन्फिडेंस है जो हम सब एनवी करते हैं. जब हम बच्चे होते हैं ना हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस होता है और उसके पास दुनिया की बेस्ट मम्मी है. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. तुम्हारे जैसे अच्छा नहीं गा पाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ी इमोशनल हूँ. मम्मी कहती है बड़ा नाम करेगा, फैज हमारा ऐसा काम करेगा. फैज तुम भी गाओ साथ में. आंटी आप भी गई हमारे साथ. मगर सब तो ये है जाने कि तेरी मंजिल है वहां. मम्मी कहती है बड़ा नाम करेगा, फैज हमारा ऐसा काम करेगा. मुझे पता है कि इसकी मंजिल ऊंचाइयों से भी ऊंची है. फैज गाते रहो और हम सबको खुश करते रहो. और आपके पापा को मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है कि जब पापा जाते हैं तो कितना दुख होता है. सो कम एंड मीट हिम प्लीज. एक्चुअली हम मिलके एक बार तुम्हारी मम्मी के लिए गा ही देते हैं. स्टार्ट. मम्मी कहती है बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. मम्मी कहती है बड़ा नाम करेगा और ये पक्का बहुत बड़ा नाम करेगा अभी बार. बेशक बेशक. Yes, we love you and not just because of your story, because you are a brilliant singer. आप जब गाते हो ना यहाँ फील होता है और आप जब स्माइल करते हो तो सब जगह रोम रोम में फील होता है. तो बी यू फैज. थैंक यू नेहा. हिमेश जी बैक स्टेज मैं जब वहाँ बैठा हूँ हम ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं पीछे सिद्धार्थ डे, वो उनको देख के ही कहते हैं कि एक दिन ये बड़ा तुर्रम खान बनेगा, बहुत ही कमाल का सिंगर परफॉर्मर बनेगा. और ये सारी चीज़ें दिखती हैं. आप थोड़े इमोशनल हो गए थे इस परफॉर्मेंस में. इस सिंगर के बारे में यानी कि फैज के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे ढीठ आदमी की आंखों में ऐसे आंसू आ जाए तुम्हारे सुरों से, उससे अच्छा सिंगर क्या हो सकता है. राइट. बाप रे बाप, आपने तो कमाल कर दिया यहाँ पर. भले ही मंच ऊपर ना आया हो लेकिन फिर भी बहुत बहुत कुछ हो गया यहाँ पे. फैज ऐसे ही गाते रहना, बहुत कुछ करना है आगे. फिलहाल देखते हैं कि दिलबोर्ड पे आपकी पोजीशन क्या है. ठीक है दिलबोर्ड
सिर्फ कुछ ही हार्ट बीट से आप रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल आप सेकंड पोजीशन पर हैं 177 हार्ट बीट्स के साथ. आइए प्लीज गो सिद्ध. हम लोग ऐसा करेंगे ना, मतलब थैंक यू आदि, थैंक यू वेरी मच. और स्थिति, स्तुति, आपकी स्थिति अभी भी वहीं पर बनी हुई है रेड सीट पर, आप वहां पर बैठे रहिए. अगला सिंगर जिस जोन से आएगा वो है अभिजीत. तो बहुत बोल के गया, नहीं नहीं अभिजीत के जोन से नहीं, नवराज के नॉर्थ जोन से आएगा अगला सिंगर. नवराज चैंग भाई, और मैं ये आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर ऐसा देखा था कि जो आर्टिस्ट शोहरत की बुलंदियों पे पहुँच जाता है उसके वादे अक्सर खोखले होते हैं, और जैसे वो जितना आसमान की तरफ उड़ता रहता है उतना ही ज़मीन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने लोगों से बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है. पर आपको पता है ये मेरे विचार लव मी इंडिया में आके बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि लव मी इंडिया में आके एक मैं ऐसे शख्स से मिला हूँ जिसने ये ऐसा सिर्फ बोला नहीं है कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, उस बंदे ने ये करके दिखाया है. लव मी इंडिया के साथ मिलके उस बंदे ने एक परिवार के लिए सच में वाक्य ही रोटी का इंतजाम करके दिखाया है, आप देखिएगा. लेकिन उससे पहले इंडिया जी प्लीज़ गुलशन कुमार को ऊपर आने के लिए 179 हार्ट बीट्स चाहिए, प्लीज़ उसे ढेर सारा प्यार दीजिए, लव यू. बैंड रेडी स्टडी म्यूजिक. तुम हमेशा बहुत ही तगड़े गाने गाते हो, आज भी तगड़ा गाना तुमने सेलेक्ट किया है, लेकिन किसी कारणवश आपके हार्ट बीट्स थोड़े कम रह गए आज. हिमेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कैसी लगी गुलशन की परफॉर्मेंस? मुझे ये लगा कि नुसरत साहब का ये गाना उतार चढ़ाव, उसके सुरों की बारीकियां, उसके लोज, उसके हाइज, एक बच्चे की आवाज में वो निभा गया, ये बहुत बड़ी बात है. और जहाँ तक हार्ट बीट्स का सवाल है, हार्ट बीट्स तुम्हें मिले हैं, हाँ उस बच्चे से थोड़े से कम मिले हैं, तो ये फॉर्मेट इस तरह का है जिसमें अगर एक हार्ट बीट भी कम मिले तो हम ये कहते हैं कि वो मंच ऊपर नहीं आया, बट ऐसा है नहीं. थोड़ा सा प्रेशर पब्लिक पे भी है क्योंकि
बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं तो उन्हें वोट करने के लिए हम उन्हें और रिक्वेस्ट करेंगे. बट ये फॉर्मेट इतना टफ है क्योंकि लव मी इंडिया के बच्चे जो बिना ऑटो ट्यून के गाते हैं वो किसी से कम नहीं है, इसलिए उस लेवल पर फॉर्मेट को टफ रखा गया है और हर चैलेंज को तुम पूरा करोगे. और तुमने अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम इतना रोशन कर रहे हो गुलशन, तुम बहुत आगे जाओगे, मेरी दिल से दुआ है. ऐसा ही हो. गुलशन, मैं आपके पापा से पूछना चाहूँगा. पापा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हिमेश सर और लम्बी इंडिया को जो हमारे परिवार को जो खुशी दी है उस खुशी को मैं भूल नहीं सकता. और मेरे बच्चे ने जो मुझे मेरी रोजी रोटी वापस दिलवाई है, इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं है. थैंक यू. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच. और मुझे लग रहा है कि आपको सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लव मी इंडिया की टीम का, लव मी इंडिया के मंच का. रोजी रोटी तो ऊपर वाला ही देता है, उसका इंतज़ाम वो ही करता है. बस आपके बच्चे में आपको भगवान का रूप है, अल्लाह का रूप है. बस उसमें ज़रूर वो बच्चे का रूप, भगवान का रूप और अल्लाह का रूप ज़रूर देखिएगा. हमेशा देखते रहिएगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा. बिल्कुल. और परिवार को बहुत बरकत मिलेगी. बहुत खूबसूरत परिवार है आपका. नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? गुलशन, आज 90s की थीम है, लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू थे गाना गाने से पहले. आई थिंक तुम वो एवी देख के थोड़ा इमोशनल हो गए थे आज. ये आंसू खुशी के हैं या तुम दुखी हो, बोलो कुछ. खुशी के हैं मैम. खुशी के हैं ना, तो फिर हंस के गाओ, सैड मत हो. आज सब अच्छा हो रहा है आपके साथ, है ना? यस मैम. गाया आपने हमेशा की तरह अच्छी तरह गाया, लेकिन जब गाना शुरू हो रहा था तो आपकी आंखें, मेरे को समझ आ गया था. बड़ा मुश्किल गाना है सब. तुम बच्चे मतलब एकदम ब्रेव हीरोज हो, सारे हीरोज एंड हीरोइंस. बहुत अच्छा गा रहे हो, हमेशा अच्छा गाते हो. थोड़ी सी मुस्कुराहट आज मिसिंग थी, बट मैं समझती हूँ क्यों. क्या बोलूँ मैं गुलशन, यू सैंग वेरी वेल टुडे एंड आई एम वेरी एंग्री विद इंडिया. बट टुडे ठीक, इंडिया यू हैव टू वोट फॉर दीज चिल्ड्रेन. प्लीज़ आप वोट करिए, Z5 ऐप पे जाइए, इन सब बच्चों के लिए वोट करें. इन बच्चों को ऊपर आने दें, उन्हें खुशी का मौका दें. गुलशन, वेरी गुड. Looking forward to your next performance. Thanks. We will look to forward to your next performance. Gulshan, आइए देखते हैं कि दिलबोर्ड पर आपकी क्या पोजीशन है. यार पहले थोड़ा सा मैं अपने पापा को कुछ कहना चाहता हूँ. ओके. पापा थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया यहाँ तक लाने के लिए. बेटा तुझे भी थैंक यू. गुलशन, कैप्टन से तो गले लग गए, पापा से नहीं लगोगे? जाओ यार. चलिए, जब तक ये मेल मिलाप हो रहा है, यहाँ पर दिल बोर्ड की तरफ नजर डालते हैं. हालांकि मेरा दिल और मेरे कान तो फिलहाल उस ग्रुप हब की तरफ ही है. कौन से पोजीशन पर हैं गुलशन इस वक्त दिल बोर्ड बताइए. नंबर 3 पर विद 163 हार्ट बीट्स. सबका प्यार आपके साथ रहेगा गुलशन, कोई बात नहीं. और चकदे फट्टे होगा नेक्स्ट टाइम. ओके, आ जाओ आप, अभी सिल्वर सीट पर बैठ जाओ. जोरदार तालियां हो जाए गुलशन के लिए. जज, जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी पूजा आ रही है, तो आपने तो एक चीज पर गौर किया ही होगा कि दिवाली पर लड़के भले ही जितने पटाखे फोड़े, पूरे शहर में हंगामा मचा दें, अगले दिन हिंदी न्यूज़पेपर्स में ना सिर्फ फुलझड़ी जलाती हुई लड़कियों की फोटो आती है. माइंड ब्लोइंग ना. नेहा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाँ, पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन है? सिर्फ उनकी क्यों आती है, अभिजीत की फुलझड़ी की फोटो क्यों नहीं आती? Oh no! अरे अब क्या है, मेरी माँ, क्या हुआ? इस बार मैं जजेस के लिए कुछ लेके आई हूँ, दिखाओ. No. I will take it as yes. मैं चैंग भैया के कान में एक गाना गाऊंगी. वो उस गाने पर silently डांस करेंगे चैंग भैया. वो भी चैंगू करेंगे डांस. हाँ. अच्छा. आप सबको उनके स्टेप्स देखकर बताना है कि ये गाना कौन सा है. मेरी सेना सबको बजर्स दे दो. वेरी सिंपल. ओ बजर्स, वेरी सिंपल. आई थिंक आई एम गोइंग टू विन फॉर श्योर. या बजर्स आ रहे हैं आपके पास जजेस. हम भी किसी से कम नहीं. वाओ. और जो भी ज्यादा जवाब
देंगे वो सिकंदर और बाकी सब बंदर। सिकंदर और बंदर, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब अभिजीत सावंत है क्या? ओके, साइलेंटली तो नहीं कर सकता, बोलते बोलते कुछ करूंगा। जजेस प्लीज मुझे बचा ले एम्बैरेसमेंट से, थोड़ी सी मैं बटन भी खोल लेता हूँ यहाँ पर और शुरू। ओके खबर चोरी चोरी चुप चुप करे ये प्यार की पहली नजर करूंगी। One point for Neha. 1-0 is the score right now. Yes. Next song. Okay. अरे बहुत ही मुश्किल है ये बताना, बहुत ही मुश्किल है, जो बता दे उसे मैं मान जाऊं। 1-2-3 go. Wow, chumma chumma de de. Chumma chumma de de chumma. जीत चुका हूँ, कम ऑन बेटा, अगला गाना और मैं ये अगला गाना मैच जीत जाऊंगा। और सिकंदर कम ऑन अर्चिता, ठीक है तो आखिरी गाना मुझे बता दो। अब बजर दबने वाला है और मैं गाना गाने सर ये हमें भी दे दो एक सर ये चूचू पुपू क्या है सर। ओके आखिरी गाने के लिए रेडी हो जाएं, मुझे इसका एक ही स्टेप आता है तो What is this? क्या है? मैं और नहीं करना चाहता। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। कब से नचाए जा रहे हो, जाओ अभी जाके बैठ जाओ। जीता कौन? जीता कौन? नेहा जीती बट ऑब्वियसली, मैं ही जीता बट ऑब्वियसली, हर्षिता जीती बट ऑब्वियस। जो भी जीता हो चैंग का जो डांस है उसको 0 नंबर मिलते हैं। लास्ट में तुमने जो डांस, मैं जा रहा हूँ। नेहा आज इस शो पर वापस आई है इसलिए मैं भी यहीं पर रहूंगा। नेहा तुम्हारे लिए ही हूं मैं, मतलब मैं तो जा रहा था। नहीं, आई लव यू यार, लव यू टू जजेस, लव यू टू। हर्षिता आप जाके वहां पे बैठ जाओ, ठीक है? पता था आपको। और अनुषा आप काफी देर से मक्खियां मार रही है वहां पर, तो प्लीज अपने जोन के सिंगर को बुला लीजिए अब तो। ओके तो मेरे ये सिंगर के पास पैसा नहीं पर मिला उसको संगीत इन जायदाद है, तो वो पेपर डोसा जितना पतला पर है फौलाद की औलाद। हीरो के माफिक स्वैग जब वो पहनता है लुंगी, आ रहा है मेरे साउथ जोन का शेर बजाने सबकी पुंगी।
आइए, जोरदार तालियां हो जाएं। पापा जी ने सरप्राइज दिया है आज। आज इतने महीनों बाद आप मिल रहे हैं गुरु से आज। ये खुशी का मौका है। आप आया पाए यहाँ पर इस वक्त पे जब गुरु इतना अच्छा कर रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप मेरे साथ वहाँ छुपे थे तो उसमें भी एक शक्ति ऑटोमेटिकली आ गई थी गुरु के पास। कहीं ना कहीं वो इतना अच्छा गा रहा था। आपको कैसा लग रहा है उसे इतने महीनों बाद मिलने? बहुत बहुत खुश है। मैं बात कर नहीं पाई। पापा को ब्रेन ऑपरेशन हुआ तो बात नहीं कर सकती। आई थिंक माँ बाप एक सबसे बड़ी शक्ति होती है इस दुनिया में। हमारी स्ट्रेंथ है वो। और गुरु को आपने इतना स्ट्रेंथ दिया है कि इस लड़के का एक एक नोट ऐसा लगता है कि दिल चीर के फट जाता है। ये जब भी गाता है दिल में लगती है वो आवाज़। तो थैंक यू आपने गुरु को इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी कि आज वो हम सबको रुला रहा है, क्योंकि हम सब अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं बहुत। और आपको आइसक्रीम खिलानी हमें बहुत जल्दी। थैंक यू हिमेश जी, पहले तो आपके जो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है उसके लिए हम लोग दिल से दुआ करेंगे कि आपकी बहुत जल्द रिकवरी हो, बहुत अच्छी रिकवरी हो, और ज़रूर होगी जिसका इतना होनहार बेटा हो।
और इतना अच्छा गाता हो तो उसके साथ हमेशा भगवान हैं और हमेशा रहेंगे. और आज ये जो हार्ट बीट्स गुरु को मिले और मेरे ख्याल से बिलबोर्ड पर वो नंबर वन होगा, क्योंकि इतना ग्रेट परफॉर्मेंस है कि एक सन्नाटा सा छा गया है यहाँ पर. कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, कोई लाउड रिएक्शन नहीं दे पाया. इसीलिए नहीं दे पाया क्योंकि उसके म्यूजिक ने सीधे, उसके सुरों की श्रुतियों ने सीधा दिल को छेड़ दिया. और वो इतने डिफिकल्ट और इतने ग्रेट सिंगरों को बीट करके आगे अगर जाने वाला है तो उसके पीछे डेफिनेटली माँ बाप के आशीर्वाद और उसकी शक्ति के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. तो आपका यहाँ आना गुरु के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहा है. और मैं यही कहूँगा कि बस आपकी पूरी सपोर्ट, पूरी ताकत, पूरे प्रेयर्स उसके साथ लगा दीजिएगा. ये लव मी इंडिया का विनर बनने लायक लड़का है. आई थिंक हम सबको खड़े होकर ताली सबसे बड़ी इस बात के लिए बजानी है कि आपकी आवाज़ एक बार नहीं कांपी, आपका एक नोट नहीं स्लिप हुआ. और ये मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात सीखूंगी अब से. मैं कभी भी रोते हुए नहीं गाऊंगी या गाते हुए नहीं रोऊंगी. और इस बात के लिए हम सब खड़े होकर तालियां बजाएंगे फॉर गुरु. एंड चैंग, आई थिंक नाउ दैट द पेरेंट्स आर हियर, सब खड़े हैं, हमें देखना चाहिए, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग कि दिल बोर्ड पे गुरु ने अपनी जगह कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल थोड़ी रेड सी बना ली है. सो गुरु, लेट्स स्माइल, बड़ी सी स्माइल दीजिए और देखते हैं कि दिल बोर्ड पे क्या होने वाला है. चलिए उससे पहले लेकिन मैं कैप्टन अनुषा से भी पूछना चाहूँगा, आपका जो साउथ का शेर है ये तो मतलब दहाड़ मार गया और कहाँ सीधा टॉप तक पहुँच गया यहाँ पर. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि स्पेशली इस टाइप के गाने गाने के लिए और उसको समझने के लिए ज़िंदगी में एक आध बार ठोकर खाना ज़रूरी है, उस दर्द को महसूस करने के लिए, तब जाके वो एक गाने में एक फील आती है, यू नो. बट आई स्टैंड करेक्टेड टुडे. 13 साल का बच्चा इस इतने इनोसेंस और इतने ऑनेस्टी के साथ उसने इतना मुश्किल और इतना खूबसूरत गाना गाया है. आई जस्ट सल्यूट यू गुरु, आप इतने टैलेंटेड हो और आप बस स्माइल करते हो और एकदम शांत रहते हो और आप ऐसे ऐसे गाते हो. आई हैव नो वर्ड्स, आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ यू एंड आई फील सो लकी. थैंक यू लव मी इंडिया, थैंक यू एंड टीवी, मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मेरे जोन में ऐसा एक बच्चा है. लाइक आई फील रियली लकी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अनुषा की गाने से पहले इसकी हिम्मत बांध के रखी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो रहा है. आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला गुरु को. और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बाय द वे. लेकिन यार अगर तबीयत ठीक ना होने पर तुम इतना अच्छा गाते हो ना, तो तुम नहीं, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी. हम जाते हैं दिल बोर्ड पर और दिल बोर्ड पर देखते हैं कि ये जो अभी जगह, ये जो एक जगह हटने वाली है यहाँ पर और उसकी जगह पर गुरु आने वाला है, वो पोजिशन दिल बोर्ड जरा दिखा दीजिए. नंबर वन पर 188 हार्टबीट के साथ गुरु, कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन. आप जाकर वहां पर बैठेंगे, लेकिन आप सबके जाने से पहले मैं आप सबको एक हक देना चाहता हूं. थैंक, बहुत बदतमीजी, अकेले हक करे जा रहे हो सबको यार. मैं सबसे करीब हूं इसीलिए. करीब तो हम सबसे सभी हैं दिल से. हम सबकी तरफ से बिग ग्रुप हग. आप सबकी तरफ से थैंक यू सो मच. गुरु आप जाकर वो रेड सीट पकड़ लो. अंकल आंटी आप आइए यहाँ पर प्लीज, आप हमारे मेहमान हैं प्लीज. Thank you so much.
इतनी खुशी, इतनी खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किया है जजेस. फटाफट, बहुत कम टाइम है हमारे पास, आपको कैसी लगी ये परफॉर्मेंस? Superb, fantastic, outstanding, mind-blowing, historic. मैंने हमेशा अनुराग को हार्डकोर पंजाबी गाते सुना है, आज पंजाबी वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग बहुत मजेदार. आई लव्ड इट. इलेक्ट्रिफाइंग. थैंक यू जजेस एंड वेरी वेल डन अनुराग. जाके फिलहाल वापस रेड सीट पर. अटेंशन. ओके जी, भले ही इंडिया जी, भले ही आपके कंजूस दोस्त बर्थडे पर आपको कुछ ना देते हो, लेकिन लव यू इंडिया कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं आपके सपनों के इनाम. पिछले हफ्ते के विजेता हैं अमजद अली यूपी से, और इस हफ्ते का सवाल आपके फ्रिज के नीचे नहीं, टीवी के स्क्रीन पर दिया हुआ है. इसका जवाब हमें 57575 पर SMS के जरिए भेजिए. आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन, बन सकते हैं स्मार्टी पैंस, और सीजन के अंत में कोई जीत सकता है रूम रूम वाली एक कार, और उसे पहुंचने के लिए आप पड़ोसियों को दें निमंत्रण. व्हाट ए फन. और अब होगा कुछ ऐसा जो आपने फिल्म सपनों के सौदागर में भी नहीं सोचा होगा. आपने क्या सपना नाम की लड़कियों ने भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा? क्या 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 वो है HR और नेहा की जबरा जुगलबंदी. अगले 5 परफॉर्मेंसेस कल होंगी, जिसमें हम देखेंगे कि क्या कोई गुरु को रेड सीट से हटा सकता है. ये आपको देखना होगा कल रात लाइव 9 बजे ओनली ऑन लव मी इंडिया ऑन MTV. वाओ.